नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज हम बात करेंगे कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है और हमें नेट का फॉर्म अप्लाई करते समय वहां पर कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली या जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक प्रकार की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है और यह वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। वर्तमान समय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा नेट की परीक्षा आयोजित कराई जाती है और JRF जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह परीक्षा भी NTA द्वारा कराई जाती है। नेट और JRF दोनों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं कराई जाती हैं, एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो देखिए, जब नेट का परिणाम डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको नेट क्वालिफाई माना जाता है। जो लोग नेट क्वालिफाई करते हैं उनमें से जो टॉपर होते हैं उनको JRF की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका एक निश्चित परसेंट लिया जाता है और उतने परसेंट लोग JRF की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और उनको फायदा क्या होता है, उनको ये फायदा होता है कि जब वे लोग PhD करते हैं अर्थात रिसर्च कार्य करते हैं तो उनको फेलोशिप अर्थात स्कॉलरशिप दी जाती है और यह स्कॉलरशिप की राशि 35,000 रुपये प्रति माह से अधिक होती है। नेट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, जबकि JRF करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल रखी गई है। यदि अभ्यर्थी किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वह 35 वर्ष की आयु तक JRF कर सकता है। अब नेट और JRF में अंतर क्या है, इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब आपको किसी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए आपको उस विश्वविद्यालय का PhD एंट्रेंस एग्जाम अर्थात PhD प्रवेश परीक्षा देनी होती है। परंतु बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर यदि आपने नेट या JRF कर रखा है तो आपको वह प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी दशा में आपका जो सिलेक्शन है वो नेट और JRF के अंकों के आधार पर हो जाता है और आप वहां से PhD कर सकते हैं। यदि आपने नेट कर रखा है तो आपको PhD करते समय फेलोशिप नहीं मिलती है, और यदि आपने JRF कर रखा है और आप एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर PhD कार्य शुरू कर देते हैं तो आपको यहां पर फेलोशिप मिलती है। यदि आपने नेट कर रखा है तो भी आप अनेक प्रकार की फेलोशिप ले सकते हैं, परंतु UGC द्वारा जो फेलोशिप दी जाती है वो केवल JRF वालों के लिए ही होती है। दूसरा अंतर ये है कि नेट की वैल्यू JRF की तुलना में थोड़ा कम होती है। JRF वाले जो होते हैं वो एक प्रकार से नेट के टॉपर होते हैं, तो जब JRF वाले इंटरव्यू में जाते हैं और इधर नेट वाले जाते हैं तो JRF वालों के सिलेक्टेड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा अंतर यह है कि डिग्री कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में जहां पर डायरेक्ट भर्ती होती है वहां पर अब API फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो API फॉर्मूले में अगर हम देखें तो नेट वालों को 5 अंक मिलते हैं और JRF वालों को 7 अंक मिलते हैं, अर्थात JRF करने वालों को नेट करने वालों की तुलना में 2 अंक अधिक मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उनके सिलेक्टेड होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यदि आपकी उम्र अभी 30 साल से अधिक नहीं हुई है और रिजर्वेशन कैटेगरी से यदि आप आते हैं और आपकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं हुई है तो आपको नेट का आवेदन करते समय उसमें JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन चुनना चाहिए, ताकि आपका JRF हो जाए तो उसका सर्टिफिकेट आपको मिल सके और उसका बेनिफिट आप अपने जीवन में ले सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।